श्री राधा रमणो विजयते, जय गौर। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, चरित्र चिंतन भाग दूसरा। पिछले प्रसंग में हमने बालक अतुल कृष्ण जी के बाल्यकाल में घर के परिवेश और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में चर्चा की। वे वृंदावन और मथुरा से आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर नवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक जालंधर पंजाब में आगे के अध्ययन के लिए आ गए। गोस्वामी अतुल कृष्ण स्कूली जीवन से ही बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी रहे और स्कूल में होने वाली तरह तरह की गतिविधियों में समान भाव से रुचि लेते थे। खेलों के प्रति गोस्वामी जी के मन में विशेष लगाव था। उन्होंने वॉलीबॉल, क्रिकेट और स्पोर्ट्स में खूब हिस्सा लिया। स्काउटिंग में उनकी विशेष आसक्ति थी, जिसके माध्यम से अनेक समाज सेवा के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते रहे। अगर हम समझें तो बालक अतुल कृष्ण जी की शिक्षा एक साथ तीन स्तरों पर चल रही थी। एक तो व्यवहारिक शिक्षा, और उसके लिए वे जालंधर में पढ़ ही रहे थे। एक उनकी आध्यात्मिक परिवेश की भी शिक्षा, और तीसरी यदा कदा बीच में जब भी उन्हें समय और अवसर होता, वे अपने विद्वान पिता श्री के साथ प्रवचन पर कथा मंडप में उनके संग जाने लगे। कथा वाचन एवं प्रवचन की कला महाराज श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। इनके पिता श्री विजय कृष्ण गोस्वामी व्याख्यायन, वाचस्पति, वाणी भूषण के रूप में सुविख्यात थे। दादा परदादा के समय से ही कथा वाचन एवं प्रवचन गोस्वामी परिवार का स्वाभाविक गुण माना जाता रहा है। महाराज जी की प्रवचन प्रतिभा और व्याख्यान से की रुचि बचपन से ही बनी हुई थी, जो आगे चलकर शने शने कथा वाचक प्रवाचक के रूप में आगे बढ़ी। महाराज जी ने पहला विशिष्ट प्रवचन 15 वर्ष की अवस्था में कई हजार दर्शकों से भरे पंडाल में किया। इससे ये कथन बड़ा सार्थक प्रतीत होता है कि सिंह का चाहे बच्चा ही हो, मदमस्त हाथियों के गंड स्थल को विदीर्ण करना उसका स्वभाव होता है। प्रवचन और व्याख्यान के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त परिवार के बालक में प्रवचन की नैसर्गिक प्रतिभा का होना सर्वथा स्वाभाविक है। सिंह का बच्चा भी हो तो भी मद के चूने से मलन गंड स्थल वाले मतवाले हाथियों को भी आक्रमण करके पछाड़ने में समर्थ होता है। पराक्रमी जनों का ये स्वभाव है। तेज और पराक्रम के लिए आयु कारण नहीं है। अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में गोस्वामी जी के जीवन की गति कुछ इस प्रकार रही, जिसे व्याख्यायन कला की उत्कृष्टता की पृष्ठभूमि माना जा सकता है। बाल्यावस्था में उन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से कई क्लब गठित किए। उनमें आचार्य क्लब और गौरांग क्लब बड़े रचनात्मक कार्य प्रेरक बने। इन क्लबों में सभी सदस्य आपस में विचार विनिमय करते थे। इन गतिविधियों का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वाचन व्याख्यायन की स्पर्धा दिनों दिन बढ़ती गई। उस प्रेमपूर्ण प्रवचन स्पर्धा से अच्छे प्रवाचक पैदा होने की संभावना भी बढ़ती गई। उसी संदर्भ में एक प्रबोध समिति का भी गठन किया गया। उसका उद्देश्य था बोलने की शैली में प्रखरता लाना। इनके सहयोगियों में स्मरणीय
विद्वान श्री हेमांग गोस्वामी, शास्त्री श्री शुभांग गोस्वामी, जो आगे चलकर कानून के प्रसिद्ध ज्ञाता तथा कलेक्टर के पद पर भी सभासीन रहे, श्री विश्वंबर गोस्वामी, श्री चैतन्य कुमार गोस्वामी, श्री अद्वैत चरण एवं धार्मिक क्षेत्र में भारत विख्यात एवं श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के उपासक तथा मार्मिक विद्वान श्री राधा विनोद जी गोस्वामी थे। इस प्रकार इन सब का आपस में नित्य प्रवचन सुनने का और करने के लिए सुयोग बना ही रहता था। इनमें से अच्छे वक्ता निकलने लगे। महाराज श्री ने जहां अपने अन्य सहयोगियों को व्याख्यान कला के लिए प्रति उत्साहित किया, वहीं स्वयं की व्याख्यान कला भी निखरती चली गई। यही कारण था कि गोस्वामी जी बालकपन से ही अप्रतिभाशाली वक्ता माने जाने लगे। अनेक अवसरों पर उन्हें महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिलते रहे। उनके प्रवचन को जनता के समक्ष मान्य सिद्ध कराने में उनके पिताश्री के आशीष और सहयोग को विस्मृत नहीं किया जा सकता। वैदुष्य भरी भंगिमा एवं वैखरी कला से आप श्रोता वृंद का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। देश भर के सभी प्रांतों, राजघरानों एवं प्रसिद्ध नगरों में उनके कथा प्रवचन के लिए आग्रह भरे आमंत्रण आरंभ के उसी पुष्ट प्रवृत्ति की देन है। गोस्वामी जी ने अपने प्रवचन शैली के संबंध में एक संस्मरण सुनाते हुए कहा कि मेरे बालकाल में लाहौर संकीर्तन सम्मेलन के तत्वावधान में अमृतसर में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। मेरे पिता श्री विजय कृष्ण गोस्वामी इस सभा के अध्यक्ष थे और उनके साथ विद्वधर स्वामी शिवानंद सरस्वती बैठे हुए थे। सुविशाल पंडाल में कई हजार जनता के बैठने की व्यवस्था की गई थी। उस समय वहां बालक महाराज श्री एवं श्री नन्हे लाल जी गोस्वामी, जो इनकी बुआ के लड़के थे, वे भी उस सभा में उपस्थित थे। लेकिन समय आने पर नन्हे लाल जी के ना नुकुर करने पर मेरे पिता श्री विजय कृष्ण जी ने स्वामी शिवानंद सरस्वती से मेरे बोलने के संबंध में पूछा तो स्वामी जी ने सहर्ष अनुमति दे दी। मैंने नाम संकीर्तन पर अपना पहला प्रवचन देना प्रारंभ किया। ये मेरे जीवन का इस तरह का पहला अवसर था। 40 मिनट तक जमकर प्रवचन किया और इस बीच में 7-8 बार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। इससे स्वामी शिवानंद जी बहुत प्रसन्न हुए, मंगल कामना की तथा संकल्प शक्ति की दृढ़ता का आशीर्वाद भी दिया। इस प्रवचन का मेरे हृदय पर बड़ा ही उत्साही प्रभाव पड़ा। इस प्रकार गोस्वामी जी प्रवचन कला में बाल्य अवस्था से ही पारंगत रहे। इसी बीच जलंधर में आपने विशारद और प्रभाकर आदि हिंदी की सम्मानित परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर ली, पर स्कूल में उनका सबसे अधिक प्रिय शौक व्याख्यान देने का था। स्कूल में ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी जिसमें उन्होंने हिस्सा ना लिया हो और ना ही कभी प्रथम मेडल या पुरस्कार रूप में शील्ड को हाथ से जाने दिया हो। गोस्वामी जी ने बताया कि मुकुट वल्लभ गोस्वामी विक्रता में प्रबल प्रेरक और योगी थे। ये ही मुकुट वल्लभ गोस्वामी प्रसिद्ध श्री हित राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य और अति प्रतिभा संपन्न मनीषी, कवि, लेखक और वक्ता थे। इसी समय के इनके अति सुहृद पारिवारिक अनुज और अपने युग के श्री वृंदावन के अन्यतम उद्भुत नागरिक श्री विश्वंबर गोस्वामी भी थे, जो किशोरी रमन कॉलेज मथुरा में इनके सहपाठी और प्रतियोगिताओं में प्रतियोगी भी होते थे। चूंकि ये सब राधा रमणीय और राधा वल्लभीय गोस्वामी परिवारों से जुड़े थे, उनमें पारिवारिक घनिष्ठता भी रहती थी। अपनी
वक्तृता प्रतिभा का एक संस्मरण सुनाते हुए महाराषि ने फिर बताया कि उस समय वे जलंधर में पढ़ते थे। उस समय डीएवी कॉलेज जलंधर के प्रधानाचार्य महात्मा मेहर चंद थे, जो अपने समय में शिक्षा संसार के सम्मानित पुरुष थे। उन्होंने एक बड़ी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, गुजरांवाला, लाला मूसा आदि कॉलेजों में से दो दो बोलने वाले प्रतियोगी विद्यार्थी आए। उस समय ये छूट थी कि कोई हिंदी में बोले या अंग्रेजी में। प्रतियोगिता का विषय बड़ा अजीब था। क्या वियोग की कविता प्रेम की कविता है? उन्होंने बताया कि मैं उस समय प्रतियोगिता में प्रतियोगी नहीं था, लेकिन श्रोता अवश्य था। प्रतियोगिता के समाप्त होने पर जब निर्णायक गण अंकों की गणना करके सबसे श्रेष्ठ प्रतियोगी की छांट कर रहे थे, उसी बीच में प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि यदि कोई और बोलना चाहे तो बोल सकता है। तब महाराषि ने अपने आप को बोलने के लिए प्रस्तुत किया। पहले तो आपने विषय को ही गलत बताया कि वियोग की कविता तो प्रेम की ही कविता होती है, क्योंकि प्रेम की दो दशाएं हैं, संयोग और विप्रलंब। उनमें से किसी को भी प्रेम की ना बतलाना संभव ही नहीं है। फिर प्रेम का विभाव, अनुभाव, संचारी तथा स्थायी भाव समन्वित स्वरूप विश्लेषण करते हुए आपने व्याख्यान दिया। आपके द्वारा दिए व्याख्यान ने सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और प्रधानाचार्य महोदय को अपने विद्यार्थी की इस प्रकार की कला पर बड़े गर्व की अनुभूति हुई। केवल यहाँ तक ही नहीं, जो निर्णायक अपने निर्णय को सुनाने वाले थे वे भी अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार इन्हें देना चाहा, लेकिन गोस्वामी जी ने उसे किसी भी आग्रह पर स्वीकार ना करके पूर्व विजेता छात्र को ही दिला दिया। इस उदार प्रक्रिया का भी लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी की प्रभाकर एवं संस्कृत प्राज्ञ विशारद शास्त्री आदि परीक्षाएं पास करने से काव्य शास्त्र और रस छंद अलंकार में आपकी अच्छी गति हो गई थी। उसी का ये कारण परिणाम था कि उनकी भाषा में काव्य शास्त्र सम्मत बोध मिल रहा था। इस तरह हम देखते हैं कि श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी की वक्तृता कला विद्यार्थी जीवन से ही उच्च कोटि की रही है। महाराषि की स्मृति में उनके प्रारंभिक प्रवचनों के कई संस्मरण विस्मरणीय रहे, जिनका वे उल्लेख अपने निजी जनों के मध्य हंसते हुए करते। जैसा कि हमने कल श्रवण किया कि जहाँ एक तरफ स्कूल में महाराषि के व्याख्यान प्रतिभा निखर रही थी, उधर दूसरी तरफ उनको कभी कभार पिताश्री के साथ भी कथा पर जाने से कथा मंडप में अपनी बात कहने का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। महाराषि की स्मृति में ऐसे कई संस्मरण विस्मरणीय रहे, जिन्हें वे निजी जनों के मध्य हंसते हुए याद करते। ऐसे ही महाराषि ने एक बार बतलाया कि जब आप 10वीं कक्षा के छात्र थे, देव दुर्विपाक से इनके पिताश्री बीमार हो गए और कई बार शल्य चिकित्सा करानी पड़ी। दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर जोशी जी के अस्पताल में बड़ा महंगा इलाज कराया। एक और चिकित्सा का व्यय था और दूसरी और आने वालों की भीड़ पर भी स्वागत सत्कार में व्यय करना पड़ता था, क्योंकि इनके पिता प्रसिद्ध विद्वान और वक्ता तो थे ही, साथ ही देश के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों, गोस्वामी,
गणेश दत्त जी महाराज, महामना मदन मोहन मालवीय, महाउपाध्याय दीनदयाल शर्मा, गिरधर शर्मा जी एवं पुरी के तत्कालीन शंकराचार्य कृष्ण बोधा आश्रम जी महाराज इत्यादि के साथ उनकी घनिष्ठता भी थी। उनके शिष्यों की भी कमी नहीं थी, पर दुर्लभ संयोग के कारण लंबी व्यय साध्य बीमारी के क्रम में अर्थ की कमी होना भी स्वाभाविक ही था। इसी बीच संयोग से लाहौर के भगत सुख रामदास और चौधरी साहब इनके पिताश्री को देखने आए। उन्होंने स्थिति को समझकर अर्थोपार्जन का उपाय ढूंढ ही निकाला। उन्होंने बालक अतुल कृष्ण गोस्वामी जी की ओर दृष्टि डालते हुए पूछा, क्या ये बालक सभा में कुछ बोल सकता है? लेकिन सभा में बोलने का प्रसंग आते ही महर्षि ने निर्भयता पूर्वक पहले ही हाँ कर दी, इससे पहले कि उनके पिताजी कुछ कह पाते, और उन्होंने भी आयोजन की तैयारी प्रारंभ कर दी। बालक श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी नियत समय पर लाहौर पहुंचे तो स्वागत के लिए लगभग 3,000 आदमियों की भीड़ को देखकर दंग रह गए। हाथों में ली हुई मालाओं से वे व्याख्यानदाता बालक को ढकने लगे। इसका कारण था कि उन लोगों ने भीड़ को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े पोस्टर निकलवा दिए थे कि आधुनिक युग में शुकदेव के नूतन अवतार का भागवत पर प्रवचन होगा। ऐसा आकर्षण भरा पोस्टर देखकर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। निकायन की विशाल हवेली में बालक अतुल कृष्ण गोस्वामी के व्याख्यान की व्यवस्था की गई। महर्षि ने बाल स्वभाव की अपनी बात करते हुए हमें सरलता से बताया कि उस समय तो मैंने भागवत देखी भी नहीं थी। पिताश्री की अलग अलग पन्ने वाली कथावाचकों की भागवत, जिसे कि पत्राकार चूर्णिका कहा जाता है, उसी को उनके पिता के अभिन्न शिष्य पंडित दुर्गादास जी अपने साथ लेकर आए हुए थे। ऐसी स्थिति में लाज बचाने और समय काटने का प्रश्न पैदा हो गया। बालक गोस्वामी लाहौर के प्रसिद्ध छोटी अनारकली बाजार, जो भारत की प्रसिद्ध पुस्तकों का बाजार था, में जाकर बड़े प्रयत्न से भागवत का हिंदी में भाव अनुवाद मात्र शुकोक्ति सुधा सागर पुस्तक को लाए, जो श्री रूप नारायण पांडेय की शुकोक्ति थी। महर्षि का युवक स्वरूप, गौर वर्ण, सुंदर आकृति और प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ वाणी में दम भी था। पहली कथा में महर्षि ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का ही वर्णन किया। जनता गदगद हो रही थी, परंतु दो परिचित विद्वान पंडित परशुराम और पंडित शालिकराम जी भी वहां उपस्थित थे और वो लगातार महर्षि को घूर रहे थे। कथा की समाप्ति के पश्चात दोनों कथावाचक बालक के पास आकर बोले कि भागवत की कथा तो तुमने कुछ भी नहीं बोली। तब बालक गोस्वामी जी ने सरलता से अपनी सच्ची स्थिति और पिताश्री की व्यय साध्य अस्वस्थता का हवाला दिया। संयोग से वे दोनों पंडित उनके पिताश्री के ही परम भक्त थे। ये सब सुनकर वे बोले कि तुम किसी भी तरह की कथा बोलो, तुम बस यही समझना कि हम दोनों सामने मूर्ख ही बैठे हैं। उनके उत्साह बढ़ाने से कथा कहने का इनका उत्साह बढ़ता गया और श्रोता तो आवाज एवं भाव भंगिमा से पहले ही मुग्ध हो रहे थे और होते रहे। महर्षि ने हंसते हुए आगे बताया कि मुझे तो अलग अलग पन्ने वाली पंडिताओं पोथी चूर्णिका के पन्नों की व्यवस्था भी तब तक करनी नहीं आती थी, क्योंकि एक दिन कोई महिला कथावाचक बालक व्यास को प्रणाम करने आई और जैसे ही उसने अपने साथ लाए अमरूद भेंट में चढ़ाए कि पोथी नीचे गिर गई और उसके पन्ने तितर बितर हो गए। जैसे तैसे उन्होंने वे पन्ने इकट्ठे करके रख लिए, क्योंकि चाहे कथा तो उस ग्रंथ से बांछनी नहीं थी, पर उसे सामने विराजित तो करना ही था। कथा तो स्वयं श्रीमुख से ही प्रसूत हो रही थी।
पर महाराज श्री का ये बहुत विचित्र अनुभव था। भागवत कथा का तो उन्हें अनचाहे और अनजाने सुखदेव बनना ही था। कथा की समाप्ति पर भक्तों द्वारा महाराज श्री की अपूर्व सेवा की गई। उनके पिता श्री ये सब सुन देख आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपने पुत्र की साहसपूर्ण प्रक्रिया पर अचरज हो रहा था। बालक के इस प्रयास और उसके फलस्वरूप प्राप्त सेवा को देखकर वे अतीव संतुष्ट हुए, गदगद हुए और हृदय से अनेक आशीष भी दिए। ये महाराज श्री का बचपन का ही आत्मविश्वास था जो वे आज तक उनकी वो अपनी रसभरी सार गर्भित वाणी और विद्वता भरी भाव भंगिमाओं के प्रकाशमान मूल्यों से वे देश भर में श्रीमद् भागवत के ही नहीं वाल्मीकि रामायण गीता और श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम पंक्ति के वक्ता माने जाते रहे हैं। अब तक आपकी शिक्षा का जलंधर में पड़ाव आ गया था तो आप वहां से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करके लाहौर चले आए जहां आपने बीए और फिर वही बाद में दो विषयों फिलॉसफी और साइकोलॉजी पर एमए की पढ़ाई की। इसी बीच विद्यार्थी जीवन काल के अनेक प्रसंगों में अधिक महत्व का प्रसंग उनका सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना था। उस समय समूचे भारतवर्ष में आजादी के आंदोलन का स्वर गुंजायमान था। प्रत्येक भारतवासी का तन मन धन उसके प्रति समर्पित हो चुका था। अंग्रेजी शासक उस आंदोलन को दबाने के लिए तरह तरह के कष्ट भरे अत्याचार कर रहे थे और घोर यातनाएं देकर पथ से विचलित करने का हर संभव प्रयास करते थे। उस आंदोलन ने छात्रों को भी अछूता नहीं छोड़ा और तीव्र जागृति से संघर्ष करने के लिए छात्र समूह अगुआ बनकर चलने लगा था। महाराज श्री भी अंग्रेजों के विरुद्ध स्वदेश प्रेमी प्रेम संबंधी जोरदार भाषण देते थे। भाषणकर्ताओं पर भी गोली की बौछार की जाती थी। एक बार भाषण के समय कोतवाल नियंत्रण करने के लिए आया, उसने गोलियां चलाई और उस गोलीबारी में महाराज श्री के मित्र लक्ष्मण शहीद मारे गए और अन्य घायल हो गए, लेकिन आप सामने होते हुए भी सुरक्षित रहे। इस प्रकार पुलिस इनके पीछे लगी रहती थी, लेकिन इन्होंने अपना भाषण देना जारी रखा। ये एक लहर थी जिसके प्रवाह में देश भर आ रहा था, विशेषता नव युवक, और उसमें भाग लेना यौवन का उबाल था और जनता में गौरव की भावना। महाराज ने बताया कि उन्हीं दिनों में उन्होंने निमाई और मेरे चरण काव्य ग्रंथों की रचना की थी। आश्चर्य की बात थी कि जहां महाराज श्री बढ़ चढ़ कर स्वतंत्रता के आंदोलनों में जोश से हिस्सा ले रहे थे, वहीं उनके हृदय में एक सरस और भावुक कवि भी पनप रहा था। कवि करम गोस्वामी अतुल कृष्ण जी को सहज एवं स्वाभाविक विरासत की देन है। कविता करने की प्रवृत्ति आपकी बालकपन से ही रही है। बालकपन में ही आपने बड़े सुंदर सुंदर गीत एवं कविता आप लिख लिख कर सुनाते रहते थे। इस कर्म का एक प्रधान कारण उनके पिता श्री का कथावाचक होना भी था। महाराज श्री बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। जहां कॉलेज के समय में वे पूर्ण उत्साह साहस और अपनी देशभक्ति की भावना से स्वतंत्रता संघर्ष में जोरदार भाषण देते, वहीं उनके भावुक हृदय में एक कवि हृदय की तरंगे भी हिलोर लेती रहीं। एक बार वृंदावन में गवरिया बाबा की स्मृति में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां वे अपने पिताश्री के संग गए। गवरिया बाबा वृंदावन के बहुत बड़े सिद्ध संत थे।
उस समय महाराषि ने कविता करना प्रारंभ कर दिया था। गावरिया बाबा की स्मृति में उन्होंने अपनी कविता सुनाई, जो उनकी स्तवक नामक रचना में संग्रहित है। इस सम्मेलन में कविता पाठ करने के लिए दूर दूर से कवियों को बुलाया गया था। गोस्वामी जी ने उन कवियों के बीच अपनी कविता का पाठ भी प्रस्तुत किया, तो उपस्थित जनसमूह में उनकी धूम मच गई। उनको इस कवि सम्मेलन में अनेक स्वर्ण रजत पदक भी प्रदान किए गए। उनके द्वारा प्रस्तुत गवरिया बाबा के संबंध में कविता की अलग ही छाप थी। आइए हम उस कविता का कुछ अंश श्रवण करें। वह कौन कहां से हुआ प्रगट, अज्ञात कहां उसकी कुटीर, वह वृद्ध एक भोले शिशु सा, हस्ता फिरता जैसे समीर, वह किस शुभेशना की प्रतीति, किस परंपरा का द्युत प्रतीक, वैभव फैलाता फिरता था, लख पड़े मांगता कभी भीख। इसके बाद तो जैसे महाराषि के मन में विचारों की लड़ी ही बनती चली गई और लेखन की कला वाणी की सरसता के समान ही जन ग्राह्य बनकर फूट पड़ी। जहाँ लोग उनकी कथा प्रवचन शैली का उल्लेख करते, वहीं उनकी लेखन कला भी चर्चा का विषय बनती चली जाती। बड़े से बड़े गंभीर विषय को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करना आपके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता थी। कभी भी भाषा में पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए दुरूहता एवं क्लिष्टता को आपने झांकने नहीं दिया। उनकी सभी रचनाएं लेखन कला की दृष्टि से अति उत्तम एवं सहज भाषा में लिखी गई थीं। इस प्रकार की प्रभावपूर्ण लेखन कला महाराषि के व्यक्तित्व का सशक्त गुण रही हैं। उनमें काव्य रचने एवं लिखने की अद्भुत प्रतिभा रही। कहावत ठीक ही है कि कवि बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। कविता करना और उसे शब्दबद्ध करना उनका प्रयत्न नहीं होता। हृदय भावों की अनुभूति तो सभी सहृदयों में होती है, पर उस अनुभूति को अभिव्यक्त करना ही कवि या रचनाकार की प्रतिभा है। भारत के विभाजन और पाकिस्तान बनने के कारण गोस्वामी जी के जीवन में एक और मोड़ आया। वे लाहौर में ही अपनी एमए की पढ़ाई लगभग पूर्ण कर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, लेकिन उसी समय भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बनने के कारण पंजाब में एक भारी जनसंहार का विप्लव हो गया। इन सब घटनाओं के कारण एमए की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रपीड़ितों की सेवा से विमुख होना पड़ता। अतः वे वहाँ स्त्री बच्चों की आर्थ पुकार, खंडित मूर्तियों के अंबार तथा उत्पीड़न को सहन नहीं कर सके और विधिवत ना ही अपनी डिग्री उपाधि हस्तमलक कर सके। इसी समय में गोस्वामी जी ने कुछ समय शिमला में वास किया और महाराषि ने बताया कि वहाँ पहाड़ियों में बिजली गिरने से एक झरना फूटा और इस दृश्य का इनके कवि हृदय में ऐसा प्रभाव पड़ा जैसे एक उत्स सा भीतर हृदय में फूट पड़ा हो और नारी महाकाव्य की रचना उसी समय शिमला में उनके प्रवास के समय में हुई। ये भले ही हो सकता है कि महाराषि के हृदय में अनुभूत दर्द या लगाव का कारण लौकिक न रहकर परमार्थिक रहा हो। महादेवी वर्मा के गीतों में जिस अलौकिकता एवं रहस्यात्मकता की आकर्षणजन्य अनुभूति मिलती है, महाराषि की कविता में भी उसी प्रकार का प्रेम, विरह, सौंदर्य एवं आकर्षण है।
उनके हृदय की द्रुत अवस्था किसी लगाव को आंखों से ओझल करने योग्य नहीं है। इस संबंध में नाहसे का शेर बड़ा ही प्रासंगिक लगता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कविता इल्म से नहीं हृदय के प्रेम तथा लगाव की ऊष्मा से उद्भूत होती है। इश्क को दिल में जगा दे नासे, इल्म से शायरी नहीं आती। महर्षि ने बाद में चैतन्य चरितामृत का भी काव्य अनुवाद किया। इन सब ग्रंथों पर कुछ प्रकाश डालते हुए हम सबके बारे में पृथक चिंतन करने का प्रयास करेंगे। भक्ति पथ के संतों ने प्रेम का बड़ा मनोहारी सचित्र वर्णन किया है कि जब कोई भाव प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसमें स्वयं दिव्यता आ जाती है, उज्ज्वलता आ जाती है। यही कारण है कि राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाले पदों को भक्ति के आचार्यों ने मधुर रस या उज्ज्वल रस की रचना माना है। उनकी काव्य रचना प्रतिभा कविता की अपेक्षा प्रवचन की माधुरी से अधिक संपृक्त है। इसी कारण जब उनके कवि हृदय की भावनाएं, महर्षि का दृष्टिकोण ठाकुर के कथा के साथ साथ जुड़ती गईं, उसमें स्वयं मधुरता भी बढ़ती गई। लाहौर और शिमला के बाद गोस्वामी जी वृंदावन आ अन्य शास्त्रीय स्वाध्याय और विविध ग्रंथ लेखन में रत हो गए। यद्यपि शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में पूर्व चर्चा की जा चुकी है, लेकिन यहाँ उनके भक्ति ग्रंथ अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करने तथा उसके प्रचार प्रसार का उल्लेख किया जा रहा है, क्योंकि उपाधि प्राप्त करना स्कूली और कॉलेज की शिक्षा है और उससे बढ़कर तत्व बोध प्राप्त करना तथा उसको अपने जीवन में उतारना अध्ययन की कोटि में पहुँच जाता है। इसी कोटि में इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु श्री सीताराम जी शास्त्री रहे, जो वेदांत के रामानुज सांप्रदायी विशिष्ट द्वैतवादी विद्वान तथा व्याकरण के गहन अध्येता थे। व्याकरण के गूढ़ सूत्रों को समझाने में शास्त्री जी की कला अद्भुत थी। गोस्वामी श्री अतुल कृष्ण जी ने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन इनके आशीष से प्राप्त किया। संस्कृत व्याकरण में कौमुदी का बहुत महत्व है। आपने सिद्धांत कौमुदी का विधिवत अध्ययन श्री सीताराम जी शास्त्री के शिष्यत्व में किया। इसके साथ ही आचार्य विश्वनाथ का काव्य शास्त्र की मीमांसा करने वाला अद्भुत ग्रंथ साहित्य दर्पण भी महर्षि ने इन्हीं से प्राप्त करके साहित्य मर्म के अनेक अंगों, काव्यों की परिभाषा, रस की मीमांसा, अलंकार, गुण तथा रीति वृत्तियों का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। काव्य शास्त्र के गौरवशाली ग्रंथों में साहित्य दर्पण बड़ा उपयोगी और सार गर्भित ग्रंथ है। महर्षि के प्रवचन व्याख्यानों में जो साहित्य और शास्त्र प्रकाशिनी प्रवृत्ति देखने में आती है, उसमें साहित्य दर्पण का महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य दर्पणकार के द्वारा वर्णित काव्य का मूल रस आपकी वाणी में बड़ी गहराई के साथ प्रयुक्त होकर सम अलंकृत है और उसे सार्थकता भी आपने प्रदान की है। महर्षि कई बार इन दोनों ग्रंथों कौमुदी और साहित्य दर्पण का उल्लेख भी प्रवचनों के अंतर्गत करते रहे। गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन महान महिमा मंडित संत श्री शुक्राचार्य जी महाराज की कृपा से प्राप्त किया। ऐसी कहावत है कि ये ब्रज मंडल के सुप्रसिद्ध महापुरुष थे। ये अपने ही घर पर श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, भगवद गीता आदि का नित्य अध्यापन करते कराते थे। इनका पांडित्य अगाध था। इनके पास रहकर अनेक विद्वानों ने स्वाध्याय किया। आप बड़े ही साधक, सिद्ध और भागवत के अंत स्थल के ज्ञाता थे। इन्हीं से महर्षि ने भागवत का मूल एवं उसका सांगोपांग व्याख्या व्याख्यानों से पुष्ट ज्ञान प्राप्त किया था।
इनका नित्य नियम था कि यमुना जी में कटी पर्यंत खड़े होकर भागवत के कुछ अध्यायों का पाठ करना, उसके बाद ही भागवत का अध्ययन अध्यापन आरंभ करते थे। महर्षि ने स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए बताया कि उनकी भागवत निष्ठा और भक्ति का मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव और संस्कारों की चमक है। भागवत पुराण की कथा और उसके भाष्य तो सामान्यतः बुद्धिमान मनीषी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसके मर्म की पैठ केवल गुरुमुख से ही प्राप्त होती है। अस्तु, महान रचनाओं के मर्म को अध्ययन एवं अध्यापन में रत बुद्धिशील महापुरुष ही समझ सकता है। महाराष्ट्री ने भागवत के अर्थो उत्कर्ष की जिस भंगिमा का गौरव प्राप्त किया, उसका श्रेय उनके महान गुरुओं की कृपा और आशीष के साथ अपने स्वाध्याय को जाता है। इसके आगे अब हम कल श्रवण करेंगे श्री राधा रमणाय स्मर्पणम्। श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, चरित्र चिंतन, भाग